राष्ट्रपतियों के यहाँ छापा पड़ता है और करोड़ों की राशि मिलती है, करोड़ों का आभूषण मिलता है। ऐसा लगता है कि ये विश्वविद्यालय को नहीं संचालित कर रहे हैं, ये किसी जिला कार्यालय को, किसी कह लीजिए कि प्रखंड कार्यालय को संचालित कर रहे हैं और वहां से मोटी रकम जनता से लूट रहे हैं। तो हमने पूरे बिहार में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसका एकदम ताजा उदाहरण है। और विश्वविद्यालय के मगध विद्यालय के कुलपति जिस तरह के आरोप में फंसे हैं, मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन आज एक सप्ताह बीतने को है लेकिन कोई जांच सत्यापन पूरा नहीं किया जा रहा है। साफ साफ लग रहा है भाजपा जदयू के शासन में एक भ्रष्ट कुलपति को, एक भ्रष्ट कुल सचिव को साफ तौर पर बताया जा रहा है। अब हम लोगों ने तय किया है छात्र आईसा या एसएफ एसएफआई छात्र जाप छात्र राजद तमाम लोग मिल करके और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग एक हो करके दरभंगा से लेकर पटना तक आवाज बुलंद करेंगे। और जब तक हमारी मांगे, जब तक मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कुल सचिव को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।